उतरौला बलरामपुर कई वर्षों से जुलूस हमारी निकलती आ रही है। इस बार भी कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर जुलूस निकाला गया, जिसमें छोटी छोटी टुकड़ियों में लोग नोहा बढ़ते हुए करबला तक गए। अंजुमने कमरे बने हाशिम नोहा खां, शारिब रिजवी अली, हसन जाफर, शहजादे जाफरी, अली अब्बास, निहाल रिजवी ने नोहा खाने की, जिस पर सभी अकीदतमंद लोगों ने मातम किया। जुलूस कदीमी कई वर्षों से निकाला जाता रहा है, पर इस बार दुर्गा पूजा के साथ ही एक दिन पड़ने से 11 बजे की टाइमिंग रहती थी, पर इस बार प्रशासन ने 6:30 पर टाइम दिया था और अपने निर्धारित 8 बजे की टाइमिंग पर ताजिया दफन हुई। इस जुलूस को चुप ताजिया का जुलूस भी कहते हैं। जुलूस वारिस फरमान वारिस रिजवान के यहाँ से उठता है और जिले निगरानी इमामिया ट्रस्ट उतरौला अध्यक्ष अयमन रिजवी की अगुवाई में निकाला गया। जुलूस में समीर रिजवी, निहाल रिजवी, नुसरत हुसैन उर्फ जग्गू अम्मार रिजवी, जावेद रिजवी, हसनैन अली, आब्दी अरशद रिजवी के साथ साथ सभी अकीदतमंद शामिल रहे। इमामिया ट्रस्ट की तरफ से सभी प्रशासन, खास तौर पर क्षेत्राधिकारी उदयराज सिंह, प्रभारी निरीक्षक अनिल सिंह व कस्बा चौकी इंचार्ज का बहुत बड़ा सहयोग रहा। सभी धर्म के लोगों ने प्रशासन के इस कदम को सराहनीय कार्य बताया है। सभी ने अपने अपने धार्मिक त्योहारों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया। बलरामपुर से R9 भारत के लिए जान मोहम्मद की रिपोर्ट।